सामने ही जो आप डैम दिख पा रहे हो ना, यह दिसंबर एंड तक तो भरा हुआ था, लेकिन अब यह पूरा खाली है। ऐसा क्यों हुआ? रीज़न तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वह जानने की कोशिश करेंगे। ग्लोबल लेवल की बात करें तो क्लाइमेट चेंज यह एक कॉमन ही कारण है, और क्लाइमेट चेंज का प्रभाव हर जगह पर और हर क्षेत्र पर पड़ा है, यह तो हम सब जानते ही हैं। न्यूज़पेपर या फिर टीवी पर यह सब बातें हम सुनते ही हैं। लेकिन हमारे गांव की बात करें तो मुझे लगता है हमारे गांव में यह सब जो सूखा अब हो जाता है, इसका मुख्य कारण है हमारे गांव की जो लोक संख्या है वह बढ़ती ही जा रही है। पहले जब हमारे दादा परदादा वह कहते थे कि यह जो नदी या फिर आप ओड़ा कहें वह कभी सूखती ही नहीं थी, लेकिन तब की बात अलग थी, क्योंकि तब जो आबादी थी हमारे गांव की वह अभी 200 के आसपास ही थी, लेकिन अब यह आबादी 800 या 900 के आसपास हो गई है। और यह आप पाइप देख पा रहे हो, और यह हर जो खेती है उसके लिए यूज किया जाता है। पहले खेती सिर्फ जो थोड़ी सी ही की जाती थी, और अब खेती बहुत ज़्यादा हमारे गांव में की जाती है, और इसकी वजह से जो पानी का जो यूज़ है वह बहुत ही ज़्यादा किया जाता है, और जगह जगह पर कुएं भी निकाले गए हैं, और कुएं में से पानी या फिर वह नदी का पानी सभी खेती के लिए यूज़ किया जाता है, और खेती भी अब बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके कारण जो पानी है उसका जो स्टोर है, जल का स्टोर, वह ख़त्म होता है, बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है। यह जो आप आगे देख पा रहे हैं, यह जो डैम है वह हमारे गांव का सबसे पहला डैम बनाया था। इस समस्या का उपाय करने के लिए हमारे गांव में इस तरह के बहुत सारे डैम बनाने होंगे, तभी यह समस्या सुलझ सकती है। अभी इस नाले पर सिर्फ जो मैंने पहले दिखाया था वह, और यह, और इसके आगे एक, यह तीन ही डैम है। इसी तरह से ज़्यादा डैम अगर बनाएंगे तभी जो जल की जो स्टोरेज जो कम होता है उस वह थोड़े आगे दिन चलेगा, तो इसलिए इस तरह के डैम ज़्यादा से ज़्यादा करने की आवश्यकता है। रेनी सीजन में 4 मंथ तक, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, यह 3 महीने तो अच्छे से हमारे यहाँ पर जो बरसात है वह होती है, लेकिन उसके बाद वह यह जो नाला है यह सिर्फ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक ही चल पाता है। तो यह 6 और 7 मंथ ही चल पाता है। अगर यह जो 3 मंथ जो बरसात का पानी आता है उसका अगर अच्छे से स्टोरेज करा तो यह जो स्टोरेज है वह मार्च या अप्रैल तक भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए यह जो नाला है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डैम बनाने की आवश्यकता है, और थोड़ा बड़े डैम बनाने की आवश्यकता है। अभी जो आप बस देख रहे हो, यह बस हमारे गांव से थोड़ी ही दूरी पर, यानी कि 20 किलोमीटर दूर पर जो सुरगाना नाम की एक छोटी सी सिटी है उसी ओर से यह हमारे गांव में आती है। वह वैसे तो तालुका का प्लेस है। हमारे गांव में वैसे तो जंगल है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा वीडियो में कि जगह जगह पर जो पेड़ है उसके जो ब्रांचेस है
उसकी कटाई की जाती है। उनकी कटाई इसलिए की जाती है ताकि उनके जो ब्रांचेस है वह जलाए जा सके, क्योंकि उनके जो अवशेष रह जाते हैं उन पर जो राइस के बियाने यानी कि बीज रोते हैं वहाँ पर राइस के बीज का अच्छे से रोप निर्माण होते हैं, इसलिए वहाँ पर वह यह जो ब्रांचेस है जो पेड़ के वह उनकी कटाई की जाती है। यह आप कुएं देख पा रहे हैं, मैंने अभी आपको दो कुएं दिखाए, वह कुएं जो है वह यह जो नाला है उसमें ही है, तो इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जो जल की मात्रा है जमीन के अंदर वह बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन अगर और भी ज़्यादा डैम इस नाले पर बनाए जाएंगे तो यह मात्रा और भी बढ़ सकती है। यह जो सौर ऊर्जा का जो संयंत्र आपको दिख रहा है वह भी जो सामने जब मैंने आपको कुआं दिखाया था पहले उसी से यहाँ पर सौर पंप और ऊर्जा जो योजना है उसके तहत मिला है, और उसके तहत इससे जो पानी का उपसा है वह बहुत अच्छे से जो पानी फेंकता है वह बहुत ही अच्छे से फेंकता है वह, अगर सूर्य अच्छा किरने सौर पैनल पर अच्छे से पड़े तो यह अच्छा सा होता है। यह सामने जो आप देख पा रहे हैं यह ग्राम पंचायत का कार्यालय है। ग्रुप ग्राम पंचायत तभी रहते हैं जब दो या तीन गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत स्थापित की जाती है, इसीलिए उसे ग्रुप ग्राम पंचायत कहते हैं। यह हमारे जो ग्राम पंचायत है वह तीन गांव मिलकर है। जो आप सामने देख पा रहे हैं पर्वत, वहीं पर एक छोटा सा गांव है, वह एक हमारा और एक और गांव मिलकर यह ग्रुप ग्राम पंचायत का कार्यालय है। यह हमारे गांव की स्कूल है, उसके पीछे से यह मैंने वीडियो बनाए हैं, क्योंकि मैं सुबह सुबह गया था तो इस वजह से वह बंद था। यहाँ पर 4 क्लास तक ही स्कूल है, लेकिन टीचर अच्छे पढ़ाते हैं इसलिए यहाँ पर पद संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा गांव जहाँ अच्छे से नैसर्गिक संपत्ति हो यानी कि जंगल हो, लेकिन वहाँ का भी अपनी अपनी समस्याएं हैं। यहाँ पर भी अच्छे से पानी यानी कि जल की समस्या और इलेक्ट्रिसिटी कभी आती है कभी जाती है इसकी समस्या, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर इन सब चीज़ों की कमी तो खलती है, लेकिन जो निसर्ग के समेत रहना स्वास्थ्यवर्धक जीवन के लिए अच्छा है, पर यहाँ पर भी इन सब जैसे कि शिक्षा, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सब की बुनियादी चीज़ों की भी पूर्ति होनी चाहिए, तभी एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है। डेवलपमेंट भी जरूरी है, लेकिन जो हमारी नैसर्गिक संपत्ति है उसका भी अच्छे से हमें कंजर्वेशन करना चाहिए। दोनों ही अगर अच्छे से मैनेज हो सके तो एक अच्छा हो सकता है, जो अच्छा समाज निर्माण हो सकता है। हम कामना करते हैं यहाँ पर भी जो मूलभूत चीज़ें हैं उनकी पूर्ति हो, और यहाँ पर ही नहीं इंडिया के या फिर वर्ल्ड के किसी भी कोने में उन बुनियादी चीज़ों की पूर्ति होनी चाहिए। इस चैनल पर मैं इसी तरह गांव की स्टोरियाँ या फिर जो जंगल है फॉरेस्ट है उसकी और मेरे लाइफ के बारे में बताता रहता हूँ। इसी तरह का कंटेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ, तो आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।